कोसी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार चौधरी। NH-107 बाईपास बनने के क्रम में वार्ड नंबर 7 न्यू सिपाही टोला पूर्णिया में नहर पर 15 से 20 साल से लोग वहां पर रह रहे हैं। NH-107 का कार्य शुरू हो रहा है, जिस वजह से उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और ऊपर से ठंड के वजह से भी वहां पर रह रहे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब बेबस लाचार लोग जाए तो कहां जाए, और यहां तक सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं दी जा रही है। इस वजह से नहर पर बसे लोग बेघर बेहाल हो रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि मुआवजा सरकार के द्वारा मिल गया, पर हम लोग रहें तो कहां रहें। इसलिए हम सबों को रहने के लिए अस्थाई बंदोबस्त किया जाए। एक तरफ NH-107 का कार्य प्रगति पर है और दूसरी तरफ हम लोग बेघर हो रहे हैं। आइए पूर्णिया के रिपोर्टर मन्नू कुमार से जानते हैं कि अभी वहां का ताज़ा हाल क्या है। आए भर रुकना छे, बोलो ना आए भर रुकना छे, तो हम अभी चढ़ा दे छे तुरंत। आ करके धमका करके सबको बोला कि तोड़ करके निकाल, यहाँ से हटा दो, नहीं तो जिसे भी लगा करके हम लोग मचार देंगे। हम लोग का आदेश मिल चुका है हाई कोर्ट से आदेश मिल चुका है। आदेश द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, सब जैसे भी वाला लेकर के आकर के तोड़ रहे हैं। सब हम लोग जा रहे हैं छोड़ छाड़ करके यहाँ और रोड किनारे में जा करके अब फिर से दोबारा किसी दूसरे जगह बसने जा रहे हैं। अगर हम लोग को अगर मुआवजा अगर दे दिया रहता बढ़िया से तोड़ने से पहले, तो हम लोग कहीं अस्थाई बढ़िया से घर बना लेते। ठंडा के मौसम में हम लोग कहाँ जाए, अभी तोड़ करके कहीं से कहीं कहाँ रहेंगे। इतना ठंड गिर रहा है कि ठंड से हालत खराब है आदमी का, और सरकार कोई व्यवस्था का भी नहीं कर रहा है। मकान वाले सबको मुआवजा दे दिया है, फूस वाले को कोई मुआवजा ही नहीं दिया गया है। आप लोग को कोई चीज नहीं मिला? कोई चीज, एक भी चीज नहीं मिला है मुखिया के तरफ से तो झांकने के लिए भी नहीं आया है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमारे समाज में। इतना आदमी मेरा, हम लोग का 200 आदमी उजर रहा है, उसके लिए कोई व्यवस्था के नहीं हो रहा है। कै नंबर वार्ड में? 7 नंबर वार्ड में। 50 साल से रह गए और लाल कार्ड बन गया, हम लोग रहने के लिए व्यवस्था नहीं है और गरीब लोग है, अब घर तो बेघर हो गए हैं, छोटा छोटा बच्चा सब है, कहाँ लेकर के जाइए। हमें जब जनता नहीं वोट दिए तो जीते कैसे, जब जीत गए तो हम लोग घूमिए इनको घर से बेघर कर रहे। सरकार के तरफ से मुखिया के तरफ से कुछ आप लोग का मुआवजा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं है। तो फिलहाल आप कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइए, अगर रोटियाँ पर सूख रहेंगे कहाँ जाइए, क्या समस्या क्या क्या है? हम तो सबके बेघर कर समस्या यही है, महंगा रोड साइड में कुछ जगह भी नहीं है, कहाँ रही वहीं रहेंगे। मुखिया के तरफ से, मेयर के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कोई तरह का मुआवजा आप लोग को आवंटित किया गया? अभी देखने भी तक नहीं आया है कि क्या मेरा पब्लिक को हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? ये चैनल के माध्यम से कि चैनल आगे तक बात ले जाए और हम लोग को जो उचित है वो जगह।
ठंड में काफी कठिनाई का सामना करना हम लोग को। तो बच्चा बुकरू साहब जो है एक घर से बेघर कर दिया, जाएंगे कहाँ ठंडा। बढ़िया